तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। ये साप्ताहिक राशिफल 8 जनवरी से 14 जनवरी तक के लिए आपके लिए रहने वाला है। तो ये दूसरा वीक है जनवरी का और नए साल का भी ये दूसरा वीक कहा जा सकता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे 8 जनवरी की। 8 जनवरी को चंद्रमा जो कि तुला राशि में गोचर करने वाले हैं, ये आपके राशि स्थान से अष्टम भाव में होंगे। अष्टम भाव में होने से आपको इस समय में अकल्ट साइंसेज में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। आप किसी भी ब्रांच में अगर काम कर रहे हों, पामिस्ट्री में हों, एस्ट्रोलॉजी में हों, या टेरो कार्ड रीडिंग में हों, या कुछ ऐसी पुस्तकें जो बहुत ज़्यादा जिनमें सेक्रेटिव वर्णन हो या अकल्ट के बारे में कोई वर्णन हो, वो पढ़ने का मन करेगा। अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो अच्छी सफलता मिल सकती है। इस समय में आपको अचानक धन मिल सकता है अपने इन-लॉज से, अपने फादर से, और कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी की प्राप्ति भी हो सकती है। अचानक कोई ऐसी घटना हो सकती है जो आपकी लाइफ को इन दिनों में, आने वाले दिनों में बदल सकती है। चंद्रमा का अष्टम भाव में गोचर होने से किसी ऐसे कार्य का आपके ऊपर प्रेशर रह सकता है जो आपको फ्यूचर में करना हो, या कोई आपने टारगेट फिक्स कर रखा हो जिसके बारे में अब आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, वो टारगेट पूरा होगा या नहीं। ऐसे जो मामले हैं उनमें आप बहुत ज़्यादा चिंता करके अपने मानसिक जो प्रेशर है, मानसिक जो तनाव है, उसको बढ़ा सकते हैं। तो अष्टम में चंद्रमा का गोचर होना ये एक्सीडेंट का चांस भी बना सकता है आपके लिए, और मानसिक रूप से भी थोड़ी परेशानी दे सकता है। तो अपने कार्य को आप हल्का आके, बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो अपने कार्य के प्रति, और बहुत ज़्यादा चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। चंद्रमा अष्टम में है तो अचानक जो भी घटनाएं होंगी वो आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं या खराब भी साबित हो सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी अशुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है या संबंध नहीं बना रहा, तो आपको इस समय में जो रिजल्ट मिलेंगे काफी अच्छे होंगे। चंद्रमा यहाँ से सेकेंड हाउस को देखेंगे। सेकेंड हाउस पर इनकी दृष्टि होने से आपको धन की बचत होगी, फैमिली के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, और आपकी जो वाणी है उसमें काफ़ी ज़्यादा मधुरता देखी जा सकती है। तो ये जो मधुरता है इसका उपयोग आप किसी के साथ भी वार्तालाप करते समय कर सकते हैं। अपनी फैमिली मेंबर से कोई काम निकलवाना चाहते हैं, किसी अन्य आपके साथी से कोई काम आप करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी वाणी की वजह से कुछ लोग आपके दोस्त बन सकते हैं इस समय में, और कुछ लोग ऐसे जुड़ सकते हैं आपसे जो हमेशा आपकी मदद करने के लिए आने वाले समय में तैयार रहने वाले। इस समय में आपको अपनी भोजन संबंधी आदतों में कुछ परिवर्तन जरूर करने चाहिए। तो चंद्रमा का ये अष्टम का गोचर काफी कुछ देने भी वाला है। अगर चंद्रमा खराब है तो कुछ परेशानियां भी जरूर देने वाला है। साथ ही यहाँ से चंद्रमा का जो गोचर होगा, अगला इनका गोचर वृश्चिक राशि में होगा जो आपके नवम भाव में होगा 9 और 10 जनवरी को। 9 और 10 जनवरी की जो स्थिति है उसमें चंद्रमा यहाँ पर आपको पता है नीच के हो जाते हैं वृश्चिक में, और ये केतु के साथ भी रहेंगी। तो कुछ जो निर्णय हैं, कुछ ऐसे निर्णय आपको करने होंगे जिनमें आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाएंगे अपने आप को, पर आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर अगर कोई भी डिसीजन लें तो आपके लिए सही साबित हो सकता है। चंद्रमा मुख्य रूप से यहाँ पर राहु से भी प्रभावित रहेंगे और केतु से भी। तो कोई स्पिरिचुअल अगर आप प्रोग्रेस इस समय में करना चाहते हैं कर सकते हैं। किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़ने में आपका इंटरेस्ट रहेगा। किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। आप अपने गुरुजनों की सलाह से भी अगर कोई काम करते हैं तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। यहाँ पर चंद्रमा का नवम भाव में गोचर होने से निश्चित ही आपको एजुकेशन में काफ़ी अच्छा रहेगा, उन स्टूडेंट्स के लिए जो हायर एजुकेशन में, जो कहीं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ले रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर चंद्रमा यहाँ से देख रहे हैं थर्ड हाउस को, और थर्ड हाउस में राहु गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए विदेश यात्रा का चांस भी बन सकता है या छोटी दूरी की यात्राओं का चांस भी बन सकता है। इस समय में आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे। राहु जो थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं उसकी वजह से आपको कोई ऐसे क्षेत्र में भी सफलता मिल सकती है जो कम्युनिकेशन से जुड़ा हो। तो चंद्रमा के यहाँ आने से आपका जो कार्य है और आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर मन थोड़ा सा परेशान जरूर रहेगा क्योंकि राहु केतु के इस एक्सिस में चंद्रमा आ रहे हैं। इस वजह से मानसिक रूप से भ्रम की स्थिति, मानसिक रूप से परेशानी, मानसिक तनाव, ऐसी समस्याएं आपको एक बार फिर से घेर सकती हैं। साथ ही आप काफ़ी लकी साबित होंगे। पिता के साथ संबंधों को लेकर अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो वो दूर होगी। इसके बाद चंद्रमा का जो अगला गोचर आपके लिए रहेगा 11 और 12 जनवरी को, वो आपके एक राशि आगे बढ़कर धनु राशि में चले जाएंगे। धनु राशि में इनका गोचर होगा आपके दशम भाव में। तो दशम भाव में रहने से देखिए इस समय में जॉब मिलने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं आपको बनेंगी।
साथ ही जो लोग प्रमोशन चाहते हैं उनका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप सैलरी बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है। सरकारी क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में जो लोग हैं, उनके लिए कोई प्रमोशन का अच्छा चांस बन सकता है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर वाले जो लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अपने बॉस से अगर संबंधों को अच्छा रखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। साथ ही कोई नए काम की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, इसके एवज में आपको काफ़ी सारा जो वेतन है वो भी मिल सकता है। तो आपके काम की सराहना होगी अगर आप सही प्रकार से अपने काम पर फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आपको कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। दशम भाव में चंद्रमा का गोचर आपको किसी नए जॉब की अगर तलाश कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी सफलता दिला सकता है। चंद्रमा यहाँ से फोर्थ हाउस को भी देख रहे हैं। फोर्थ हाउस पर इनकी दृष्टि होने से आपके लिए कुल मिलाकर प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में ये स्थिति अच्छी बनती है। माताजी के साथ संबंधों को लेकर आपको कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। ज़्यादातर चिंता आपको अपने करियर के बारे में रहने वाली है चंद्रमा के दशम भाव में गोचर होने से। साथ ही आप अपने घर से काफ़ी ज़्यादा लगाव महसूस करेंगे, जुड़ाव महसूस करेंगे। अगर आप घर पर ही रहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है चंद्रमा के इस गोचर से। साथ ही साथ आपके घर में काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा, शांतिपूर्ण माहौल रहेगा जिसको आप इंजॉय कर पाएंगे। तो निश्चित ही ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। धनु राशि का गोचर विशेषकर आपके लिए काफ़ी शुभ साबित होगा। इसके बाद की अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो उसके बाद चंद्रमा स्थित हो जाएंगे मकर राशि में अंतिम दो दिनों में, यानी 13 और 14 जनवरी को। यहाँ पर इनकी युति गुरु और शनि के साथ रहने वाली है और लाभ भाव में चंद्रमा का आना आपको लाभ में वृद्धि करेगा। कोई बहुत लंबे समय से आपकी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पा रही, वो इस समय में पूरी हो सकती है। साथ ही आप मार्केटिंग करते हैं अगर, तो आपको फायदा होगा। अगर आप खुद एक बिजनेसमैन हैं तो आपको काफ़ी अच्छा फायदा होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। चंद्रमा का आपके इस भाव में, लाभ भाव में गोचर होना लाभ में वृद्धि करेगा, साथ ही साथ धन की वृद्धि होगी। धन से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर ये समय काफ़ी अच्छा है। इस समय में आप जितना चाहें उतना मेहनत करके अपने काम को और आगे बढ़ा सकते हैं। चंद्रमा का लाभ भाव में गोचर आपको काफ़ी कुछ ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट करवा सकता है जो लोग आपकी हर समय मदद करने के लिए तैयार रहें। चंद्रमा का पंचम भाव को यहाँ से देखना, जो निसंतान दंपति हैं उनके लिए संतान प्राप्ति की जो है यहाँ पर मौका बनेगा। और निश्चित ही आपको एजुकेशन के लिए गोचर अच्छा रहेगा, संतान से संबंधित जो भी कार्य हैं उनके लिए अच्छा रहेगा और आपके प्रेम संबंधों के लिए भी ये गोचर काफ़ी अच्छा आपको काफ़ी कुछ देने वाला है, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर देखिए शनि और गुरु दोनों ही आपके पंचम भाव को भी देख रहे हैं, तो इस समय में आप कोई भी इलीगल कार्य, जो अनैतिक कार्य हो या गैर कानूनी कार्य हो, उसके द्वारा धन कमाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करेंगे और एक अच्छे तरीके से नैतिकता के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपकी मनोरंजन में कोई विशेष रुचि नहीं होगी, पर फिर भी कोई ऐसा कार्य आप इस समय में कर सकते हैं जो आपकी सृजन क्षमता को बढ़ाता हो, आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है और निश्चित ही आपके धन में भी वृद्धि हो सकती है। तो ये जो पूरा वीक है इसमें काफ़ी कुछ आपको मिलने वाला है। धन की वृद्धि के साथ साथ आपको काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं इस वीक में जो आपको आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। तो इस वीक में मीन राशि वालों के लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 7 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा 5। फिलहाल बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।